वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज मैं लेके आया हूँ एमसीक्यू सीरीज की पार्ट टू वीडियो। इसमें मैंने 20 एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से 4 एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर है 9.11 × 10⁻³¹ kg। सेकेंड क्वेश्चन है कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा F = 1/4πε₀εr Q1Q2/d²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल्स की लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे ट्रेवल करती हैं। इसका करेक्ट आंसर है कि ऑलवेज कर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज कैसे होते हैं। इसका आंसर है परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि 3 कैपेसिटर्स 10 माइक्रोफेरेड के पैरेलल में कनेक्ट हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। इसका करेक्ट आंसर है 30 माइक्रोफेरेड। इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें खाली वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं और आपसे नेट कैपेसिटेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 कूलॉम चार्ज गिवेन है और 200 वोल्ट गिवेन है और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पूछा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q = CV। इससे हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और इसका करेक्ट आंसर होगा 0.1 फैरेड। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, खाली वैल्यूज चेंज कर दी जाती है और कैपेसिटेंस निकालने कहा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी अच्छी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में एक बेकलाइट की शीट इंसर्ट कर दी जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर है कूलॉम पर वोल्ट। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसकी यूनिट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है 15 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको सीरीज में ऐड किया गया है तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है 5 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी। इसका करेक्ट आंसर है इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटर में चार्ज कहाँ स्टोर होता है। इसका करेक्ट आंसर है डाइलेक्ट्रिक। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर है फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है उसको वोल्टेज वी के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो एनर्जी प्रोड्यूस क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1/2 CV². नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है। हम सबको पता है 8.854 × 10⁻¹² फैरेड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर बैंक जो कि पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज किया जाता है उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है KVAR। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूजुअली हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता को हम लोग क्या कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर है चार्ज। उम्मीद करते हैं कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक का बटन दबाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने एमसीक्यू सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, तो आप उसको देख लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे वाली भी आने वाली वीडियो उसका फ़ायदा उठाएं। स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।